तो अब हम लोग बात करेंगे फैब आइकन के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको फैब आइकन बनाना कर दिखाऊं, मैं आपको दिखाता हूँ फैब आइकन होता क्या है। तो अगर आप ब्राउजर पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे हमारा एक टाइटल लिखा हुआ है, बट अगर आप गूगल पे जाओ तो आप देखोगे गूगल भी लिखा हुआ है और यहाँ पे एक आइकन भी बना हुआ है, आइकन या लोगो। तो यही लोगो लगाने है हमें भी, और इसी लोगो को फैब आइकन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक इमेज चाहिए होगा। तो मैंने एक इमेज डाउनलोड कर रखा है, ये favicon.jpg, ठीक है, कुछ इस तरीके का इमेज है। मान लिया हमारा लोगो ही ऐसा है, तो अब इसे लगाना है। तो इसे लगाने के लिए हम लोग हेड में क्या लिखेंगे, हम लोग एक लिंक टैग ओपन करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं लिंक, और लिंक टैग ओपन कर दिया, और यहां पर हम लोग लिखेंगे REL, और REL में हम इसे देंगे आइकन, आइकन लिख दिया। अब इसके बाद हमें एक HREF लगाना होता है और उस इमेज का पाथ देना होता है। तो हमारे इमेज का नाम क्या है, favicon.jpg, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या लगाना है कि ये किस टाइप का इमेज है। तो टाइप में हम लोग ये क्या देते हैं, इमेज है और JPEG है टाइप इमेज का। यहाँ पे हम लोग साइज भी मेंशन कर सकते हैं कि किस साइज का इमेज है, बट हमें अभी करेंटली ये इस बात का टेंशन नहीं ले रहा कि किस बात कितने का साइज है और क्या है। तो मैं फिलहाल इसको इतने ही पे बंद कर देता हूँ इस टैग को। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया, लिंक टैग ओपन किया, REL ओपन किया, यहाँ लिखा आइकन, HREF में उस जो इमेज है उसका पाथ दिया, टाइप बता दिया कि कैसा है। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखोगे हमारे पास एक आइकन यहाँ पे आ चुका है। अब दूसरी चीज है कि सिर्फ इतना ही नहीं होता है, सिर्फ इतने से आपका क्या होगा कि एक कंप्यूटर पे सही तरीके से आ जाएगा, बट आज के डेट में क्या हो चुका है ना कि वेबसाइट सिर्फ कंप्यूटर पे नहीं रह चुका है, वो टैबलेट पे चलता है, मोबाइल पे चलता है, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पे चलता है। तो सब पे जो मैंने अभी साइज आपको बता रहा था वो बेसिकली हर एक जो होता है जो टैबलेट और स्क्रीन और हर एक डिवाइस अपने तरीके से फैब आइकन फेच करता है। तो रेदर देन कि आप यहाँ पे जाके एक लाइन में लिखो, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फैब आइकन जनरेटर। तो आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है फैब आइकन जनरेटर। बहुत सारे जनरेटर मिलेंगे, बट जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है रियल फैब आइकन जनरेटर। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। यहां पे आपको बोलेगा कि आप सिलेक्ट करो उस आइकन को, वो या जो इमेज है आपका। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं। सिलेक्ट करते ही ये हमारा जनरेट करने लग जाएगा आइकन को। अब देखो, अब ये मुझे क्या कह रहा है कि आपका जो है वो पिक्चर जो इनका पर्टिकुलर विथ होता है वैसा नहीं है। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कैसा बनाओ, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, कंटिन्यू करो इसी पिक्चर के साथ जैसा भी है, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने मुझे बना के दिखा दिया कि डेस्कटॉप पे आपका कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप ब्राउजर डिफॉल्ट थीम पे कैसा दिखेगा, मोबाइल पे कैसा दिखेगा, ये सब कुछ हमने बता दिया। अगर बैकग्राउंड ब्लैक वाला ब्राउजर है तो कैसा दिखेगा, ये सब कुछ उन्होंने हमें बताया है। अब हमें ये भी इसने दिखाया कि अगर आप ये फैब आइकन iOS पे यूज करोगे एज ए ऐप तो आपको कैसा दिखेगा, एंड्रॉइड पे कैसा दिखेगा, ये सब कुछ बताया हुआ है, विंडोज पे कैसा दिखेगा वो सब कुछ बताया हुआ है। बट आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ पे जनरेट का एक ऑप्शन आएगा तो उस पर क्लिक कर लेना है। तो जनरेट पर मैंने जब क्लिक किया तो ये मुझे क्या करेगा कि एक डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा और एक कुछ कोड देगा मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो अभी आप जनरेट कर रहा है, इसने मुझे कुछ कोड दिया, मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ, अपना जो हमने लगाया था उसको हटाकर इसको पेस्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, इसे इंडेंट कर देते हैं, और जो ये हमें डाउनलोड पैकेज कह रहा है इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो जब मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो अब ये मुझे कह रहा है सेव करने के लिए, मैं इसको सेव कर लेता हूं, ये हमारा सेव हो चुका है। इसको मैं ओपन जाके करूंगा और इसको कट करके मैं अपने उस ड्राइव पे ले जाऊंगा। तो मेरा HTML ये है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है एक फोल्डर में, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइज के आइकन ऑलरेडी बन के आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको पहले तो रीनेम कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसका नाम से फैब आइकन रख देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको फैब आइकन नाम रख दिया। अब जो मुझे यहाँ पे कोड मिला है, अब मैं उसका बस पाथ मिला देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास जो इमेज, देखो यहाँ पे जो फैब आइकन का बना हुआ है इसके आगे कहीं पे भी वो फोल्डर का नाम मेंशन नहीं है, ये जो मैंने फैब आइकन लिखा है, तो ये फेच नहीं करेगा। अगर अब मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो ये गायब हो जाएगा, देखो गायब हो गया, क्योंकि ये ब्रोक हो गया, इमेज मिल ही नहीं रहा, क्योंकि इसका पाथ तो है फैब आइकन के अंदर का,
तो हमें क्या करना है, सम के आगे एक फैब आइकन का नाम डाल देना है, फैब आइकन। तो इस फोल्डर का नाम ऐड करते चले जाते हैं हम लोग। ये सारे एच आर ई एफ में जितने भी एच आर ई एफ हमें उस कोड से मिले थे उस पर हमने एक ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसे सेव कर देते हैं। अब आप देखोगे हमारे पास ये फिर से आ जाएगा, आ गया। तो इस तरीके से हम लोग फैब आइकन जनरेट करते हैं और कोड लगाते हैं ताकि ये सारे ब्राउजर सारे साइज के डिवाइसेस पे कंपेटेबल हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।